ऐसा हो जाता है, ये रात कटती नहीं, ये दिन कटता नहीं, ये रात कटती नहीं, ये दिन कटता नहीं। पता है तेरे को किसी ने बुलाया है, तू रोहित को मिलने जा रही है। नहीं बाबूजी, रोहित की मम्मी ने बुलाया, मेरी बात तो सुनिए। ओए मैंने कोई गल नहीं सुनी है, चल आना चल बाबूजी, चल। हाय रब्बा। क्या हुआ? एक ही है। तेरे को क्या करना है? अच्छा मुझे क्या करना है? देख रोहित, मैं कह देती हूँ, हाँ बाद में तेरे ये लंदन वाले बेशरम काम नहीं चलेंगे। हाँ ए, तू कौन होती है मेरे को बोलने वाली? मैं कौन होती हूँ तुझे बोलने वाली? तुझे पता भी है आज क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरी शादी होने वाली है। मम्मा ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे सचमुच में मेरी शादी होने वाली है। शादी नहीं सगाई। पाजी, जोगी पाजी, आप फिर नस रही है, मेरी लौली कुआरी रह जाएगी। अरे रोको इसे, रोको। ओए चुप। मेरे बेटे की शादी होने जा रही है और तू है कि ये क्या कह रहे हो? चुप। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। व्हाट नॉनसेंस। अभी तो मुझे लंदन जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद वहां नौकरी वोकरी ढूंढ के सेटल होना है। अरे जोगिंदर सिंह का बेटा और सेटल। बरकुदार, ये चारों तरफ जो जमीनें देख रहे हो ना, अरे ये जमीनें तेरे बाप की है। और तू सेटल होने की बात कर रहा है? पहले तू लवली से शादी तो कर ले। मैंने एक बार कह दिया शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस। बल्लू, एक बात बोलू कि ये चीज लंदन की मैन्युफैक्चर्ड है ना, लंदन की पैदाश है। अरे अरे जोगिया, तेरा मुंडा तो एकदम लंदन वाला हो गया। मैनू तो ऐसा लगता है किसी विदेशी मैम को फांस रखा है। ओ मेरी कुड़ी का की होगा बाऊजी।
ओए लौली, ओ देख, ओ देख, फिर नस गया, ओ नस गया जोगी, बहुत दियो, फिर बच गया जोगी, ओ जोगी, फिर भाग गया, ओ देख, फिर भाग गया, तुसी प्रॉमिस किता सी कि मेरी कुड़ी नाल उसका ब्याह करावांगा, वो तो फिर नस गया ना, ओए लौली, पकड़ उसको, मेरे पुत्र अब की बार तो मैं तेनू लेकर आवांगा अपने कंधे पे चुककर। अरे मेरा नाम भी जोगिंदर सिंह है। तेरी कुंडल में ओए काके, बस आ लो जी, आ लो। ओ बहू जी, यहाँ जंगल में कहाँ जाओगे? इधर शेर मिलेंगे, शेर। अरे शेर नहीं पापा जी, मेरे अंकल शेरा सिंह रहते हैं। थैंक यू, सत श्री अकाल। आप ये बंदूक ना चलाई दो, चलाओ। अरे नहीं, अब नहीं, नहीं। आप चलाओगे चाचू? अरे नहीं नहीं बेटा नहीं। अरे पागल हो गया क्या? बोल तुझे कितने ब्याह करना है, मैं करावांगा तेरा ब्याह। और तेरे पापा का तो शादी कराने के पापा मेरे बहुत भोले हैं, मुझे ना चाचू कोई ब्याह व्याह नहीं करना है बस। ओए तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे नाल। तू एक काम कर, कुछ रोटी शोटी खा और सो जा, कल सवेरे मैं तेरे बाप से बात करूंगा। साले ने मेरी भी शादी कल करा दी थी। अरे मैं तुमको नहीं खींचता तो वो तुमको नीचे खींच देता। छोटी बोमन, बोलो बोलो नो। अब बता जोगी दे डोगी, की प्लान है तेरा? अंकल मुझे मुंबई जाना है। फिर अंकल बोला? सॉरी 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 चाचू, मुझे मुंबई जाना है। किसी मुंबई की कुड़ी ना शादी करनी है ना। गुड मॉर्निंग हैंडसम। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन। चलेगी? रोहित भैया, ये ईशा है, मेरी फ्रेंड, मुंबई से आई है। मैंने सोचा चलो मम्मी डैडी से मिला दूं। मुंबई में इसे कहां मिलेगी ऐसी हवा? फ्रॉम मुंबई? या या। बाय द वे, आई एम रोहित। हां जी हां जी। ईशा, तुम्हारी मम्मी का फोन है। अम्मा, हेलो हेलो अम्मा, अम्मा प्लीज मां सत्य मां पेसरिंगो कल्याण किस बने आचे। हेलो, ओह नो अम्मा, ओके बाय। ओए बैठना तुसी इत्थे। क्या बात है शपुत्तर, तुसी कुछ परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम? चाचू प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मम्मा का फोन था, तुरंत मुंबई बुलाया है। क्यों, अभी तो आई है तू, दो चार दिन जॉली मैं भी रुकना चाहती हूँ, लेकिन बात यह है कि मम्मा ने मेरे लिए रिश्ता तय किया है, तो जाना तो होगा ही। ओ, तो आप शादी कर रही हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा रिश्ता मुंबई से आया है? अरे जोगी का पुत्र रिश्ता तोड़ के मुंबई जा रहा है। चाचू यही तो फर्क है हम हिंदुस्तानियों में और लंदन वालों में। तो काफी कुछ जानती हैं आप हमारे बारे में? अरे भैया, मैंने ही उसे बताया कि आपको यहाँ की कोई लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए तो। अरे रहने दे रहने दे, तेरी तो सबका कच्चा चिट्टा खोलने की आदत है। अरे इसे लंदन में सेटल होना है ना, तो इतने ब्याह क्यों करेगा, और वो भी इसके बाप के कहने पर? इसी के बाप ने तो 25 साल पहले मुझे फंसा दिया था। तुम दोनों को मुंबई जाना है ना, तो मैं तुम दोनों का टिकट दिल्ली से मुंबई का करा देता हूँ।
लेकिन यहाँ से दिल्ली तक तुम दोनों को साथ ही जाना होगा। साथ में? और रोहित तू एक काम कर, तू मेरी गड्डी ले जा और एयरपोर्ट पर मेरे साले नु सौंप देना, समझ गए ना? 8 घंटे का लंबा सफर और ये शीशे का सामान मेरे साथ। मतलब? मतलब ये कि 8 घंटे हम दोनों अकेले, मजा आएगा। गुड प्लान चाचू। निकल चली बे तुझे लेके सवरिया। बड़ा पिंड, या तो खुद गालो या फिर मुझे टेप सुनने दो। तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर जीनियस, इस मामले में तुम क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैडम, ये पूछो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। मैं तो इस मामले में बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। 3 साल से मेरे माँ बाप मेरी शादी कराना चाहते हैं और उन लोगों ने एक लड़की पसंद कर रखी है मेरे लिए। लवली नाम है उसका। ओह, लवली। हाँ, अंकल बता रहे थे तुम रिश्ता तोड़कर भाग आए हो। मैं भाग कर आया हूँ, लेकिन रिश्ता तोड़कर नहीं, मजबूरी। शादी और मजबूरी? हाँ, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर लिया, तुम्हारी मजबूरी है। Excuse me, मजबूरी तुम्हारे साथ चलने में है, शादी की नहीं, got it? वैसे भी मेरे मम्मी डैडी जो भी रिश्ता तय करेंगे मुझे मंजूर है, I have no problem whatsoever. मेरा कोई बचपन का प्यार व्यार नहीं है। क्या? तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? जी नहीं, मैं प्यार करूंगी तो उसी से शादी, और शादी करूंगी तो उसी से प्यार। एक टिपिकल हिंदुस्तानी लड़की। प्लीज फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इरिटेटिंग मी, ओके? मुझे बहुत भूख लगी है। वेट, होल्ड इट। अरे, यस, शिट, ये लो। क्या है ये? चिकन सैंडविच। अयो, मुर्गा। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, ओके? अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वेज कहाँ से लाऊं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे बैग में बिस्किट्स है, प्लीज गाड़ी रोको। ओके। मेरा बैग कहाँ है? तुम्हारा बैग मैं क्यों रखूंगा? तुम्हारा बैग है, तुम्हें रखना चाहिए ना। मैं क्यों रखूंगा? मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी तो तहजीब होगी कि एक लड़की का बैग उठा कर रख दो। तहजीब तो दूर, तुम्हें एक लड़की से बात करने की तमीज तक नहीं है। यहाँ लड़की कहाँ है? अब क्या करेंगे? आओ, आए कुछ खाने को मिलेगा। You got to be joking. तुम्हें खाने की पड़ी है? यहाँ मेरा बैग, मेरे कपड़े। अब मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद सकता। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे कपड़े है ना तुम्हारे पास? एक तो 7 घंटे का लंबा सफर, ऊपर से तुम्हारी बकबक, और तो और तुमने मुझे नॉनवेज सैंडविच भी थमा दिया। एक तो बैग नहीं रखते हो, ऊपर से धौंस जमाते हो, इतनी सारी प्रॉब्लम, ये सब तुम्हारी वजह से है। ए, चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। मैं चिल्लाऊंगी, जोर-जोर से चीखूंगी, मेरी जो मर्जी मैं आएगा करूंगी। आई डोंट केयर अ डैम, डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई डोंट केयर अ डैम, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। इसमें बॉम्ब था क्या? मेरे कपड़े भी गए। ओह माय गॉड, रोहित, जरा आराम से चलो। स्टॉप यार। क्या हुआ? मैं अब और नहीं चल सकती, बस। Want some? खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। मैं ये सब अतरंगी गोलियां नहीं खाता। चॉकलेट, सिर्फ चॉकलेट होनी चाहिए, प्योर चॉकलेट। खाओगी? नो थैंक्स। ये छोरी चल लगी के? आजा बैठ लगा गाड़ी पे। भला आदमी दिखता है। ओह गॉड, थैंक्स यार। ट्रक में कौन जाएगा?
रोहित डोंट बी एन इडियट चलो एंसरी ते आजा बैठे रहने दे इसने रोहित कितनी मुश्किल से भगवान ने भेजा है इसे और तुम तो जाओ ना भगवान की सवारी में मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ रोहित तो ऐसे बोलो ना तुमको मेरी जरूरत है मजबूरी है आजा जल्दी बैठ ले थैंक यू भाई साहब आप हमें कोई अच्छी जगह ले चलिए ना हम दोनों को बहुत भूख लगी है ओहो ते चिंता ना करे छोरी तने ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तेरी भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी चल भाई तने ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ भांग भी मिलेगी और नाच देखने भी मिलेगा मेरा मुर्शिद रहबर इश्क ही है मेरा सावन पत्ते झड़ इश्क ही है इश्क ही है इश्क है इश्क ही है इश्क है सोना मिट्टी में रेशम का दुपट्टा फाड़ दिया सब कहते हैं इसने भांग पी है मेरे इश्क में चोली रंग ली है मेरे इश्क में चोली रंग ली है सोना मिट्टी में गाड़ दिया रेशम का दुपट्टा दुपट्टा
मन इश्क में चोली रंगली है के बात छोरी रात रात ज्यादा भाग पीली के भाई साहब एक बात बोलूं बोलो तारी जोड़ी बहुत बढ़िया है तने पसंद है मारी जोड़ी हाँ बहुत पसंद है तो शादी करा ले मारी हैं के बात तारी शादी को रही मैं तो गुब्बारा हूँ मैं ओए अब बहन तो टकर रुक आजा आजा पहले उधर 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 आके हो गया अबे तू आराम से जा रहा है आगे खतरा है पता है तेरे को आगे क्या है अबे सुन अबे तू छोड़ अबे सही है अबे तू छोड़ चल इधर अबे छोड़ ना हुंडा मंदिर तेरी तो भाई साहब एक डिफिकल्टी आ गई है ये मेरा दोस्त है ना इसकी माँ अचानक बीमार होगी चला हरमंदा जाना पड़ेगा आप एक काम करियो ये ट्रक जो है ना आगे वाले पेट्रोल पंप पे खड़ा करती हो मैं शाम में वापस ले लूंगा और वहाँ से आपने लिफ्ट भी मिल जाएगी ठीक है ना अच्छा मैं चलता हूँ चल भाई चल 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 अरे भाई साहब सुनिए तो जल्दी भाई साहब अरे अब क्या करेंगे मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया आज ट्राई करूंगा ट्रक चलाना अरे तुम घबरा क्यों रही हो पंजाब का पुत्र हूँ ट्रक चला नहीं ट्रक उड़ा भी सकता हूँ लगता है बहुत भारी सामान है ट्रक में यार पुलिस हम हैं बनारस के बबलू बजरंगी ई जेकरे ऊपर पड़ेला ओकर खुल जाला लुंगी बुझाइल लागता ना ही बुझाइल चलो तुम दोनों कितना मासूम दिखता है रे इतना गोला बारूद लाया कहां से अरे हम नहीं लाया ना हम तो ई गोला बारूद संभालने के वास्ते ट्रक वाले से लिफ्ट लिया है अच्छा तो मैंने कहा था उस ट्रक वाले से लिफ्ट लेने के लिए झूठी तो आना था ना पैदल मुझे भूख लगी है मुझे प्यास लगी है मैं चल नहीं सकती तो तुम्हें क्या जरूरत थी उस गाड़ी को खाई में गिराने की अच्छा गाड़ी मैंने खाई में गिराई तुमने लात मारी उसको ऊपर से सुनसान सड़क पे चिल्लाती है मुझे कपड़े दो मुझे कपड़े दो तो तुमने मेरा बैग क्यों नहीं रखा मैं तुम्हारा बैग क्यों रखूंगा मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ देखो ए, चुप साला तुम लोग घर से भाग के आया का ये भाग कर आ रहा है पूछो इससे कार हीरो हीरालाल लड़की को भगा के ला रहा है का अबे तुम दोनों बालिग हो मैं तो इसका मुझे पता नहीं है मतलब क्या है तुम्हारा मतलब मैं तो पूरी तरह बालिग हूँ मुझे कोई शक नहीं है तुम अपनी सफाई दो देखो तुम नहीं बबरी रोना मत वरना हम भी रो पड़ेंगे ना क्या करें बहुत इमोशनल है ना देखो ना अंकल इसका बस चलता तो ये मुझे जंगल में अकेला छोड़ देता इसके चक्कर में मैं भी फंस गई यही गलती हो गई मेरे से वही जंगल में अकेला छोड़ देना था तुमको कैबरे करने के लिए अबे चुप ए हीरो हीरालाल बजरंगी का डंडा देखा है ना चल चल चौधरी साहब चौधरी साहब माफ कर दो वो माल भी मेरा था वो ट्रक भी मेरा था और ये माल मेरा नहीं है तो भी नीचे बैठ जा और तुम दोनों जाओ यहां से जाओ अब का है भैया हमको होटल चाहिए तो हमको पैसा भी चाहिए तिवारी हाँ सर पुलिस वाले से पैसा चाहिए पैसा चाहिए पुलिस वाले से बुझाएं बुझाएं खाने पीने के मामले में हमारी कोई सिमिलैरिटी नहीं है मैं बिना पंजाबी खाने के नहीं रह सकता
और तुम क्या खाती हो? इडली डोसा सांभर यही सब ना? क्यों, मुझे भी पंजाबी खाना बहुत पसंद है। मेरे लिए अपने आप को बदल रही हो क्या? प्लीज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पापा पंजाबी हैं। व्हाट, दैट्स इम्पॉसिबल यार। इम्पॉसिबल क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा बोलने का मतलब है तुम्हारे फादर पंजाबी हैं और तुम्हारी मदर साउथ इंडियन, तो सवाल ये उठता है कि तुम्हारी शादी किससे होगी, किसी पंजाबी से या किसी साउथ इंडियन से? इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे तुम मेरे इतने करीब आ रही हो, फिर भी मेरी एक सलाह सुन लो, तुम किसी साउथ इंडियन से ही शादी करना, कोई पंजाबी आदमी तुम्हें जमेगा नहीं। ओ लगता है कुड़ी नु भगा के लाया है। अरे फूफा लग रहा मान नहीं आता है। नहीं मानती तो मुझे बोल कि आइटम बम है यार। इधर ही आ रहा है शान पट्टे। इका है बे डंडा? नहीं बजरंगी का डंडा, और रात भर जब धैया पे पड़े ना तो हो जाई बे ठंडा, बुझाइल लगता नहीं बुझाई। तुमने पिटाई ने? हाँ। क्यों? इन लोगों ने तुम पे कमेंट किया था। बड़े आए मेरी हिफाजत करने वाले, इतनी बुरी तरह से पीटने की क्या जरूरत थी? ओ सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो मुझको, माफ करो भाई लोग, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। ए तिवारी चल ताला खोल। ए चुप, ये हमारा पुलिस स्टेशन है, हमारा ऑर्डर चलता है यहाँ। साला हम तो सोचता था मियां बीवी का झगड़ा शादी के बाद होता है, पर तुम तो शादी से पहले ही चालू हो गए। शादी और इससे? शादी और इससे, इसको तो कोई नारियल पानी वाला ही मांगता है। ओए माइंड योर लैंग्वेज। ए देख मैं पंजाबी हूँ, और मेरे सामने कोई लड़की छेड़े ना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा और खुद क्या करते रहते हो? वो मैंने कब छेड़ा तुमको? देखो अभी भी तुम वही कर रहे हो। हे चुप, साला होने वाली मेहरारू से ऐसे बात करता है, बाद में क्या करेगा? अरे अंकल शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। रोहित तुम आगे बढ़ रहे हो। दीवार पे कहाँ चिपकली? उधर अंकल उधर। इधर आपके कंधे पर। इधर तो तगमा है। चिपकली? नहीं नगमा है। चिपकली चिपकली डाल। दो दिलों के खेल में छिपकली पहुंची जेल में। भैया अभी तुम जाओ यहां से, जाओ। अब कहा है अंकल हमको एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी चाहिए। अबे ये पुलिस स्टेशन है, ट्रैवल एजेंसी नहीं। सॉरी अंकल आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है हम मर्सिडीज भेज देंगे। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच ले चल यार थकमा। अंकल जरा तेज चलाइए ना। छोरी गड्डी ने गरम से होंदे। फूलों सी नाजुक है वो, मोटर में बैठी है जो, फूलों सी नाजुक है वो। तू पगला
ना बदला, सारी दुनिया गई है बदल। अरे ते चल हड्डी की दुकान, अपनी मर्सिडीज तेज नहीं चला सकते क्या? पिद्दी भर की छोरी चुप कर, नहीं तो गड्डी से उतार दूंगा। ओए चुप कर। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ वो बैठे बैठे मर गया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये जोर से चिल्लाई उस बुड्ढे पर, इसलिए वो बुड्ढा मर गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे चीखने से वो मर गया? और नहीं तो क्या, अपने आप ही मर गया क्या? बस अंकल ये एक मिनट, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अंकल इसने चुप, एकदम चुप। उसको हार्ट अटैक आया था, वो जिंदा है अभी। इसका मतलब है हम जा सकते हैं? चुप। नहीं, तिवारी। हाँ सर। ऐसा करो, हमरा गाड़ी लेके आओ और इन दोनों को हवाई अड्डा छोड़ के आओ। ठीक बस, ठीक बस। अब तुम दोनों जाओ, पीछा छोड़ो मेरा, छोड़ दो। अंकल अब हवाई जहाज तो यहाँ नहीं बुला सकते ना, अब का है। थैंक यू। बला टली तिवारी। हाँ सर। ये दोनों रास्ते में कोई बैंक लूट ले, केहू का मर्डर कर दे, तो भी इनको यहां मत लाना। बुझाइल बुझाइल। ओह या, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। ओके, एंड व्हाट टाइम? शाम की फ्लाइट से। ओके, आखिर हम लोग मुंबई पहुंच ही गए। एक्सक्यूज मी किदन, ये लो। थैंक गॉड, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। मैडम मैंने तुमको जंगल से निकाला है। हाँ, वरना मैं तो वहां कैबरे करती रहती है ना। कैबरे और तुम। अरे जीता रे, रब तेरे को ढेरों खुशियां दे। तू फिर शादी के डर से भाग आया? जोगी पाजी का फोन आया था कि अरे मौसी, तुम सारे के सारे बुजुर्ग ना मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हुए। ओए, मेरे को बुजुर्गों में ना काउंट करना। मौसी ये पोनी बैठी है ना। हाँ, मैं तेरे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। दिस इज नॉट द वे। वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो। व्हेन? अरे मासी। हाँ? मैं तो कहता हूँ अभी आप इसकी फिक्र करो। और तू चुप कर, अभी अभी आया है, ले अपना मुंह मीठा कर। अरे खा ले। ये सब मत खाया करो आप, रखो। आए हाय, आ गया हेल्थ ब्रीड, ना खुद खाएगा ना मेरे को कुछ खाने देगा। मैं तेरे लिए तरबूज लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे वेंकटेश्वरा वेंकटेश्वरा एवलू कोपम। अयो अयो, मेरी बेटी का गुस्सा इतना तेज। कल्याणम पन्ना वेंडमा। लड़का बिल्कुल कमला से जैसा। ओह नो मामा, नॉट अगेन। इन्हीं की कोप वेंडा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है बस। नोड़गम पन्ना वेंडा, तो क्या जिंदगी भर पापा के सर पर बैठी रहेगी बोझ बनकर? पापा के लिए मैं कोई बोझ नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे प्यारे पापा को मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं है। तेरे पापा को फुर्सत है तेरे बारे में सोचने का? उसको पंजाबी मुंडा चाहिए, वो पंजाब जाएगा, लड़का ढूंढेगा, उसे पसंद करेगा। तब तक क्या मेरी बेटी इंतजार करेगा? हैं? अवर वर्टम। डॉक्टर नला इरुकिंगला?
I said, how are you? How are you? Hey, doctor. आप इधर खड़ा खड़ा खुद ही पेशेंट बढ़ जाए. तुम्हारे को एक मेडिसिन की एक टोनिक की जरूरत है. टोनिक, गुड टोनिक है. ए, तुम्हारा टोनिक आ गया, देखो. लगाते रेस मार. मान जाएगी, मानते कि नहीं मानते परवाह नहीं है. सॉरी सॉरी अंकल जी, गलती से गिर गया. ले पुत्र ये खा. अरे शुक्र है ये नहीं गिरा. वाहेगुरु की कृपा है. वाहेगुरु, हु आर यू? अंकल जी ये मेरे भैया हैं, पटियाले से आए हैं. पटियाले तो मेड इन पंजाब. हां जी पटियाले से आया है मेरा पुत्र. जे ठीक गल है कुआरा. ओ गोगी पाजी, 100% मेड इन पंजाब ते 100% कुआरा. ओए बल्ले 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 बल्ले, मन्नू मिल गया. लक्ष्मी मुंडा कट चाची माँ, डोंट वरी, मिल गया जी, मिल गया, मिल गया. लक्ष्मी माँ पिल्ला. मिल गया, मिल गया. क्या मिल गया? कौन है कार्टून? कार्टून नहीं है ये, वो सामने ईशा रहती है ना, उसके पापा हैं. ओ ओफो, क्या करूं? एनी प्रॉब्लम? साइलेंसर में कचरा होगा. कैन यू हेल्प मी? संभल के, साइलेंसर गर्म होगा. आप तुम्हारी गाड़ी है, गर्म तो होगी ना. मान लो पाजी, तुसी मैनू पंजाबी लगदे नहीं हो यार. ओ यार इसमें लगने वाली की बात है. इस वास्ते तुसी मैनू पंजाबी नहीं लगदे हो. की है मार लो. ओ ना यार, शादी के बाद टच तक नहीं की थी मैं. तुसी किस तरह दे पंजाबी हो जी? औरतां दी गल्लां विच आ गए. ओह यार, वादा कित्ता सी के शादी के बाद ना ते चिकन, ना दारू, ना मटन छुआंगा. मटन भी नहीं? पुत्तर वादा कित्ता सी, जुबान दित्ती सी पंजाबी दी जुबान. बस यही प्रॉब्लम है कि तुसी पंजाबी होकर पंजाबी नहीं लगदे, इत्थे उत्थे जुबान देंदे फिरदे हो. अंकल ए टिक्का की है? पुत्र दरअसल की है कि साड़ी वाइफ है ना, बामणी है, प्योर तमिल. दरअसल साड़ी लव मैरिज है. ए भी प्रॉब्लम है. कौन की प्रॉब्लम है? कि तुसी पंजाबी होकर के लव मैरिज कीती है. क्यों भाई, पंजाबी लव मैरिज नहीं करदे? अरे कर देने पर शादी दे बाद अपना स्टाइल नहीं छोड़ देने. ऐस वास्ते ना तुसी मैनू पंजाबी लगदे ही नहीं हो यार. ओए मैं पंजाबी हां. तुसी मैनू पंजाबी लगदे ही नहीं हो. मैं पंजाबी हां. तुसी लगदे ही नहीं हो पंजाबी. हां पंजाबी हां, मैं पंजाबी हां. तुसी पंजाबी लगदे नहीं हो. मैं पंजाबी हां. तुसी लगदे ही नहीं हो. मैं पंजाबी हां. होर डाल. तुसी लगदे नहीं हो यार पंजाबी.
मैं पंजाबी हूं। लगते नहीं हो। देंदा जा पिंदा जा। पिंदा जा पिंदा जा। देंदा जा देंदा जा। अरे पिंदा जा। ओए रब्बा मैं पंजाबी हो। ओए सुनिया तुमने मैं पंजाबी हो। जिनिया मेरे तन ते लगिया तेरे एक लगे ता तू जाने यार फरी दिलो थे दिए जिथे अगला कदर भी जाने ऐ भी पंजाबी है जो बोले सोनियाल सत्रियाकाल ऐ भी पंजाबी है। कौन बे कौन बोला ओए अच्छा तेरी भैन दी ऐ भी पंजाबी है। इन्हें पिंड रहे इन्हें पिंड रहे हाँ मैं वही कर रहा हूँ जो पंजाबी को करना चाहिए और मुझे तो बरसों पहले करने ला चाहिए थी। पापा पापा प्लीज घर के अंदर आकर बात करो ना। बेट कुल्ला बंद है पसंग है बंद इंगा। मामा प्लीज रुकिए ना बंद इंगा। देखिए ना पापा क्या कर रहे हैं। मनु तमकी दें दीने और तू थल्ले आने चाह नीचे आके बता दी। नो मक्के दी रोटी नो सरसों दी साग केले दा पत्ता पैन नारियल दा पानी मनु तमकी दें दीने। अभी तुम्हारा मामा ठीक करता है हम हाँ हाँ। अयो तुम गाली देता हमको गाली देता हैं। तुम दारू पिया शादी के टाइम का वादा तोड़ दिया। छी 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 कितना गंदा वास मारता है दारू का। चुप पंजाबी हैं हम पंजाबी कुछ भी मार सकते हैं। मैं भूल गया सी हैं इस पंजाबी को तूने मद्रासी बना दिया। अयो हमने तुमको मद्रासी बना दिया हमने। तुमने रोज इडली खाया रोज डोसा खाया हम बना बना कर थक गया। और चंदन तुमने अपने आप लगाया हमने नहीं बोला था लगाने को। और तुम कह रहा है कि हमने तुमको मद्रासी बनाया तुम हमारे प्यार में मद्रासी बन गया। ओ गाल सुन पंजाबी देश नाल प्यार कर देने ओनली ओनली देश नाल प्यार है। बॉर्डर पे जाते हैं अपनी जान देते हैं बंदूकें चलाते हैं तोपे चलाते हैं दुश्मन नु मार देने पंजाबी है। पंजाबी मैं पंजाबी हां मैं भी बॉर्डर के ऊपर जावांगा बंदूक के बजूका चलावांगा। गवर्नमेंट नु बोल के वार होवे के ना होवे वार करे मेरा इस्तेमाल करे मैं मिलिट्री जाऊंगा समझे। मैंने जाना है बॉर्डर पे जाना है बिल्कुल यूज मी गवर्नमेंट नु बोल अपनी इंडियन गवर्नमेंट नु। मैं उसे बोला कि मैं तैयार हूं बॉर्डर पे जाने को लड़ने के लिए I am ready. बोल दिया। Oh, don't touch my body. चुप। ओ पुत्र। अच्छा होया तूने मुझे याद दिला दिया। मैं ते भूल गया सी मैं पंजाबी हूँ। अच्छा होया तूने याद दिला दिया। हुण बोल की कर रहा है। ऊपर चल के बात करते हैं हम हाँ। चल आराम से आराम से। Use me. Use me. Use me. Government बोल। वार करे। I want मक्की। Oh smart. इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी। बड़ा आया पंजाब वाला। इसी तो पूरी सोसाइटी में नंगा ना किया ना तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। और कितने पोस्टर्स फाड़ोगे मिस्टर रोहित फ्रॉम लंदन? तो सिर्फ इस सोसाइटी में मेरा तमाशा बनाया था ना मैं पूरे शहर में तुम्हारा तमाशा बना दूंगी। पूरे शहर में ये पोस्टर्स लगवा दूंगी। किसकी हरकत है ये? किसको शौक चढ़ा है मेरे बेटे को नंगा देखने का? हाँ किन्नु शौक चढ़िया जी?
अच्छा तो ये है, बुला तेरे बाप को बुला। हाँ अरे उसे भी तो पता चले हम भी पंजाबी हैं। पंजाबी ओ, मैं भी पंजाबी हूँ। तेरा इधर कैसे आना हुआ? अरे एक ही तो निशानी रह गई है नवनीत की, और नवनीत ने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने बेटे की शादी जबरदस्ती नहीं करना। बस देखो गांव में जब भी मैं कोई कुड़ी देखता हूँ ना, हाँ ये गांव छोड़कर चला जाता है। अरे अगर मैंने वादा ना किया होता ना, मैं तो जबरदस्ती उसे मंडप में बिठा देता। हाँ, तो क्या कमी है? हाँ क्या कमी है? अरे स्मार्ट बाप का स्मार्ट बेटा है, जायदाद है, गाड़ियां है, शोहरत है, पैसा है, किस बात की कमी है? अरे नवनीत की खातिर मैं लंदन से पटियाला आया, पटियाला से फिर मैं इधर आया, और ये कहता है कि मैं लंदन जाऊंगा, लंदन में सेटल हो जाऊंगा, लंदन में नौकरी करूंगा। अरे ये कोई बात है, है? गल सुन। हाँ मैं उसे रोक सकता हूँ। कैसे कैसे रोक सकता है? हाँ? अरे वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र असली पंजाबी का पुत्र है। वो मेरा कहा नहीं मानता तो तेरा कहाँ कहाँ से मानेगा? ओए जोगिये असी भी खालस पंजाबी हैं। अच्छा सुन। हाँ। मनु ऐ रिश्ता पसंद है। अच्छा कहो नायडू ऊपर पार्टी चल रहा है का? पहला एक पंजाबी था, अब दो दो पंजाबी हो गया है। एक सपना सीगा। हाँ। कि अपनी कुड़ी दी शादी पंजाबी स्टाइल तो पंजाबी मुंडे दे नाल करनी है। हाँ, जोगिये हाँ, हाँ। ओ मेरे यार। हाँ। इस यारी नू रिश्तेदारी च बदल दे। अब तो शादी ब्याह का भी बात चलने लगा है। हाँ सही बात है। की हुए? मैंने कुछ गलत बात कर दी? ना तूने कुछ गलत कहा ना मैंने कुछ गलत सुना मेरे यार। फिर की बात है मेरे यार? बात कुछ और है। की बात है? परम नहीं मानेगी। ऐ की कह रहे हो? पगला गया तुसी? वो क्या है ना वो गोगी। मैंनु एक गल दसो। हाँ। तुसी एनी दूर एथे शहर विच क्यों आई सी? क्यों आई सी? इस वास्ते ना। हाँ। कि किथे साडा मुंडा कोई गलती ना कर बैठे। हाँ, गलती ना कर बैठे। और अगर साडा मुंडा गलती कर बैठे ते फिर अपने रिश्तेदारां नु अपने लोगां नु असी शक्ल किस तरह दिखावांगे? ओह परम जी परम जी वो बात वो बात है कि वो गोगी है ना। की गोगी? गोगी ने दसिया सी। की दसिया सी गोगी ने? और फिर अगर गोगी गलती करता है ना तो फिर सानू भी गलती करनी है कि? भैन जी आप एवें नाराज हो रहे हो? भैन जी और गोगी पाजी ने कौन सा पाप किया था? उन्होंने भी तो प्यार ही किया था ना। किया होगा लेकिन मेरे रोहित ने कोई प्यार व्यार नहीं किया। हाँ, कोई प्यार व्यार नहीं किया। जाकर कह दो उस मद्रासन से, सवाल ही नहीं पैदा होता। नो नो अयो नो नहीं। देख लक्ष्मी अब बेटी हमारी बड़ी हो गई है, तू कब तक उसे कलेजे से लगाए बैठेगी? एक ना एक दिन तो उसे जाना है। जाना तो है जी, पर क्या हम उसे किसी भी नरक में भेजेगा? क्या कहा तुमने? नरक? मतलब क्या है तेरा? मैं अपनी बेटी को नरक में भेजूंगा? अयो और किसे नरक कहा तूने? पंजाब को? लक्ष्मी जी कितना पंजाब देखा है आपने? आज मुझे लगता है मैं फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया मैं।
ओए ओए रब, ये पंजाब के बारे में तुमने क्या कह दिया लक्ष्मी? पंजाब के नाम पर तुमने सिर्फ मुझे देखा है, मुझे जाना है, और मुझे लगता है कि शादी के 23 साल में तुमने मुझ में ही नरक देखा है। ये नहीं, नहीं जी, आपने मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ था लक्ष्मी। नहीं जी नहीं, मेरे कहने का मतलब गलत ले लिया। चुप हो जा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जी। चुप हो जा। अयो, रब देवास्ते है, मेरी दोनों हाथ जोड़कर विनती है, अब तो कुछ ना कह। एक कोई विनती है, एक इस पंजाबी की वजह से मेरे पूरे पंजाब की कौम को गाली मत दे प्लीज। नाने तप्पो सोलुटने वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा, अयो। मैंने तुझसे बहुत प्यार किया, तेरे प्यार में अपने आप को पूरी तरह से भुलो दिया, पूरी जिंदगी भर इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। लोग मुझे ताने कसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, जोरू का गुलाम जा रहा है, वो देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, लेकिन लक्ष्मी मैंने परवाह नहीं की। इतना प्यार था ना मैंने, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग सही थे, मैंने अपनी पहचान ही खो दी थी, इसलिए सोसाइटी में गली गली चिल्लाता फिरता था, ओए मैं पंजाबी हूँ, ओए मैं पंजाबी हूँ, ओए मैं पंजाबी हूँ। मैं फेल हुआ हूँ, एक नकाम नकारा फेल आदमी की वजह से मेरी पूरी पंजाबी कौम के ऊपर उंगली मत उठाना। मैं फेल हुआ हूँ ना यार। नहीं नहीं जी, आई एम सॉरी, मुझे कुछ और ही कहना था। अरे सुनिए, आप जो कहेंगे हमको मंजूर है जी, हमको मंजूर है, प्रॉमिस। आप हमारा बहन है जी, हम चाहता है कि आप मान जा। वो कहते हैं ना कि हम लड़की वाला है जी, हाथ जोड़ना पड़ेगा ही ना। छोड़ो भाभी, जाने भी दो ना, ये काम मानने वाली है, हम पराये जो ठहरे। गोगिया छोड़ यार, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ हमारा खून। बस अब एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। औलाद कभी पराई नहीं होती, खून का रिश्ता हो या ना हो, खून का रिश्ता ना होने से क्या वो पराया हो जाता है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि बच्चे मान जाएंगे क्या? दिल के रूप रू एक नजर आशिकी क्या से क्या कर जाती है। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। कोई जो हमसे पूछे मोहब्बत चीज क्या है, बता दे हम सभी को बड़ा दिलकश नशा है। इरादा है वादा है, यहाँ जोखम भी ज्यादा है। ये नाजुक वो रिश्ता है जो रेशम सा, समझदार को इशारा काफी है। हम हुस्न की है तितलियां, हर रंग की हम बिजलियां, किसी से क्यों हम भग जाए, किसी के क्यों हम हो जाए।
उंगलियां, जो पास आके छूने लगोगे तो जल जाएंगी उंगलियां। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। इनको कैसे बतलाएं यार, हम तो भौरे आवारा, इस गुल से उस गुल तक जाएं, दिल तो है ये बंजारा। कितने हुस्न के शोलों को पल में शबनम हमने बनाया, इश्क के ऐसे जाल है फेंके, जल भी मछली सा तड़पाया। इश्क दी गली विच होते तो क्या करते, किसे खुद पे फिदा करते। जैसे कई दिल पर मरे पहले भी है मुझ पर, करूँ क्या दिल का मैं सौदा, मरूँ मैं तुझ पे बेतौबा। जो कर सा तेरा चेहरा, जरा तू देख आईना। जो कर सा तेरा चेहरा, जरा तू देख आईना। तेरा जो कर चेहरा तेरा। छोड़ो यार, बहुत हो गया। ओए, 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 ओए। समझदार को इशारा काफी है, फैते करिया, पागल हो गई है? पागल मैं नहीं, पागल आप लोग हो गए हो। पता नहीं उस इडियट स्टूपिड लफंगे में आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया। वो लड़की आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। ओए, तू कैसे कह सकता कि वो तेरे लायक नहीं है? वो लड़का बहुत ओवर स्मार्ट है। ता फेर की होया, तेरा बाप ते वेरी वेरी ओवर स्मार्ट है। ले, हैवी कोई प्रॉब्लम है? पापा, आप अपनी इकलौती लाडली बेटी को गांव भेजना चाहते हो? गांव, वो भी मैं? पुत्तर, ए तेरा पापा भी गांव दा है। Tell me one thing, what is so wrong about bloody गांव? वो शहरों की रहने वाली लड़की है, गांव जाके इन लोगों की देखभाल नहीं कर सकती मौसी। अगर मैं गांव चली गई तो आप दोनों की सेवा कौन करेगा? वो क्या सेवा करेगी? मुझे तो उसके कैरेक्टर पर ही शक है। किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलने से पहले सोच लिया कर। हमने उसे पसंद किया है, हमारी पसंद पर तुम्हें उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। न जाने तुम्हारे मम्मी डैडी ने ऐसा क्या खिला दिया है मेरे डैडी को, वो अपने फैसले से हटने के लिए तैयार ही नहीं है। शट अप। मेरे फादर एक सीधे साधे आदमी है, कोई भी अपनी लुली लंगड़ी लड़की उनको दिखा देता है और उनकी मजबूरी देख वो फंस जाते हैं। What do you mean? तुम लोग तरस खाकर शादी कर रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसा भी क्या? Enough. अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आगे आगे, बाबूश, किस कर? इशा, no, no, no. इशा, no, no. किस कर? No, इशा, no. इडियट, किस करो ना? इशा, no. करो। इशा, वो देख लेगा, पंगा हो जाएगा। मुझे किस करो? No, no. Come on, किस करो? No, no. इशा? मैंने कहा ना, किस करो? इशा! इशा! अंकल जी, ये लो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अंकल। What's happening? अंकल कुछ नहीं। What's all this happening? कुछ नहीं। हाँ, रोज। मैं सच कह रहा हूँ अंकल। मैंने देख लिया। Rose, 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 red rose, red rose, rose. Red rose. Ah, very beautiful, very nice. सफेद, white, white. सफेद अंकल। White paper. अंकल कुछ नहीं अंकल। Paper, paper, सच कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं। White paper. My dear Tony. I love you. रोहित छोड़ो, कोई आ जाएगा रोहित? अरे कोई नहीं आएगा जाने मन, कोई नहीं आएगा। रोहित, प्लीज छोड़ो। ईशा, ईशा में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है?
ये तो मेरी मजबूरी ने मुझे चांदनी बार में भेज दिया, वरना मेरा भी दिल एक इज्जतदार लड़की की तरह घर बसाने का करता है जान। अरे जो तेरा मन करता है ना जाने मन, वही होगा। लेकिन क्या है ना, वो ईशा का कार्टून बाप है ना चंपक, उसने मेरी जिंदगी भी डोनाल्ड डक की तरह बना दी है। लेकिन लेकिन मेरा क्या होगा जानू? जानू तुम मुझसे वादा करो, तुम उस ईशा से बच्चा तो पैदा नहीं करोगे ना? क्यों 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 क्या फिर इसका क्या होगा जानू? क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। मैं बाप बनने वाला हूँ, सच्ची। Thank God, मैं बाप बनने वाला हूँ। Wow, मेरा चुच्चू पुच्चू, मेरा तो बाप। अरे अंकल, ओए अंकल दे पुत्तर, तू पंजाबी कहलाने लायक ही नहीं है। हाथ निकालो, हाथ नहीं लगाना। मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना, समझे? होने ते हाथ ही लगाया है, तू भी आ जा। क्या हो गया? तुम यही डरो, मैं अभी आता हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये तमाशा? तमाशा तो ऐप बढ़ाएगा, तेरा भी साथ में मेरा भी। क्या किया इसने? अपने पुत्र से पूछ जो अपनी जवानी की रातें चांदनी बार में बताना चाहता है। पुत्र बताना अपने पापा नू। मैं पूछ रहा हूँ। ओए तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो खुशियां मना, ढोल मंगा, पंगड़ा पा। ये क्या बोल रहा है? हाँ डैड, वो अंकल कुछ भी ऐसे ही, वो क्यों शर्मा रही है? मैं बताता हूँ जोगिंदर, तेरा बेटा नजायज बाप पढ़ने वाला है और तू नजायज दादा बनने वाला है। बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस, खुशियां मना, ढोल बजा, पंगड़ा पा। इसको मेरी बेटी के मत्थे मलना चाह रहा सी। ए, अपनी जबान पे लगाम दे। डैड मैं कसम खा के कहता हूँ, ये अंकल सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ओए ते मैं अंधा हूँ क्या? और तू वो बाप बनने की खुशी में जो नच रहा सी, पंगड़ा पा रहा सी, वो किसीगा? अंकल आप तो खुलेआम झूठ बोले जा रहे हैं। मैं झूठ बोल रहे हैं? तू बनेगा मेरा दामाद, तेरे जैसे मुंडे नु। बस हुण जबान खुली, हुण बोला। इससे पहले कि बाप बेटे की जुबान बोले, कान खोल के गल सुन ले, तेरे बेटे दे नाल अपनी बेटी दा रिश्ता खत्म। तू कौन है रे रिश्ता तोड़ने वाला? रिश्ता तो तेरे साथ तोड़ दिया था पूरे गांव वालों ने। और तेरी भी बेटी कौन सी दूध की धुली हुई है? हा? ये देख, ये चिट्ठी है, लव लेटर, पढ़ लो। पापा, अम्मा, ये सब झूठ है। अच्छा? पापा मैं कसम खाकर कहती हूँ ये सब झूठ है। बस। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तू क्या ये ड्रामा कर रहा है? हाँ? हाँ? तू क्या समझता है कि मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, इसकी जिंदगी भर कवारा बैठा रहेगा क्या? और तू की समझता है मेरी कुड़ी कुमारी बैठी रहेगी? इस धरती पर तेरे लड़के के अलावा कोई लड़का ही नहीं है क्या? है तो सुन ले, मैं अपनी लड़की की शादी यहीं पे करके बताऊंगा और बताऊंगा कि शादी किस तरह से होती है, समझे? हट, शादी मैं करके बताऊंगा, खानदानी तरीके से शादी करके बताऊंगा, और वो भी 10 दिन के अंदर। अयो, 10 दिन के अंदर अपना वादा भूल ना जाना, समझे? तेरे लड़के से अच्छा दामाद लाकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम, तेरा नाम गोविंदर सिंह नारियल पानी वाला होगा। तो हद से बढ़ रहा है, जब अपनी कात च रहे। चलो, चलो जी। 80 साल सा पंजाबी ने तेरी तरह इंपोर्टेड पंजाबी नहीं है। अब क्या? अब क्या? Well, ये है वो। She is Jesse. He is Rohit, my friend. Hi. Bye. See you soon. Bye. Isha? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब तो अच्छा है, हमें शादी के लिए विटनेस मिल गए। राइट। यार 10 दिनों में तुम लोगों की शादी होने वाली और मेरी लाइफ की बैंड बजने वाली है, वो भी इसके बाप की वजह से। ए रोहित, डोंट शाउट। ए यू डोंट शाउट।
तुम्हारे ही बाप को जल्दी थी शादी शादी शादी। आह, जैसे तुम्हारे डैड को तो कुछ पड़ी ही नहीं थी ना। तुम लोग तो यार लड़ने लगे, ये मेरा ऑफिस है भाई। बात कुछ समझ में नहीं आई, शादी करनी है या? एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, गाड़ी में बात करेंगे, ठीक है? तो ये बात है, तुम लोगों की जिंदगी बनते बनते बिगड़ गई। अरे बिगड़ते बिगड़ते बन गई, बोल। लेकिन रोहित, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? यार मैं शादी उसी से करूंगा जो मुझसे प्यार करती हो, और जिसे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी। ईशा, तेरा क्या ख्याल है? किस बारे में? शादी के बारे में? शादी शादी शादी, कैन यू प्लीज चेंज द टॉपिक? तुम इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? अभी उस दिन तो बड़े मजे से सुना रही थी उस पंजाबी लड़के के बारे में। तू क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही जो तुम्हें चंडीगढ़ से दिल्ली लाया था। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ, ओके? बाय। ईशा रुको, तो कहाँ जा रही हो? ईशा क्या हुआ? अरे ये तो चली गई, इसे क्या हो गया? और क्या बोली वो उस पंजाबी लड़के के बारे में? यही कि मजेदार लड़का था, मेरी डांट सुनता था, मेरी हेल्प भी करता था और मेरी चिंता भी, और उसे वो पसंद है। अजनबी एहसास को दिल मेरा क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे। अनकही इस बात को दिल मेरा क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे। यार लगता तो यही है। ओ पाजी पाजी, एड्रेस कितने है? ए ते तीन ते बड़ा डंडा ते ओ की है छोटा डंडा ओ ते ओ की वा ओए ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ बल्ले 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 यार आ गया यार कितने सालों बाद और ओ यार मेरी कुड़ी लवली सत्यकाल बेटा सत्यकाल ओ कमाल हो गया यार थोड़ दस किस तरह आना होया बल्लू रब दी खैर मना कोई गलत नहीं होया, ए सोच जेकर व्याह हो जांदा ते ओ यार व्याह हो जांदा ना तो कम से कम ये बोझा तो सर से उतर जांदा। कैसे बात कर रहे हैं आप, बेटे के सर का बोझ होती है अलगद रोम। ओ तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है? ओए मेरा नसीब तो खराब है ही, और तू क्यों नहीं अच्छा नसीब लिखा कर लाई? अयो लवली लवली एक मिनट लवली, तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर आओ। ये क्या है पापा? अयो तुम्हारा वादा करने से, वादा तोड़ने से, दीवार पर सर पटकने से क्या इसका शादी हो जाएगा? नहीं जी, इसका शादी हम कराएगा। डालडा नू किस तरह बोलेगा? डालडा नू उल्टा किस तरह बोलेगा? नान पाइये ना पाते। अयो ये कितना बड़ा हो गया जी, पहिए ना पाते हैं। हाँ, देखा। वेरम। ओ। ये आप लोग आपस में इतना खुश क्यों हो रहे हो? ओए की गल है? ये लवली हमारे लिए बहुत लकी। हाँ। तेरा मामा तेरे लिए रिश्ता लाया। ओ नो नो मॉम, रिश्ता और मेरे लिए। फिलहाल अब इस गुड़िया की शादी की तैयारियां कीजिए। मेरे लिए तो लड़का मेरे प्यारे पापा चूज करेंगे, है ना डैडी?
फिलहाल आप लोग हमको इजाजत दीजिए, अब हमें तैयार होना है। मैं लवली को अपने साथ अपने दोस्त की पार्टी में ले जा रही हूँ। ये देख हमारी औलाद है, जब इसका मम्मी शादी तय करता है तो कहता है कि डैडी की पसंद का करेगा, जब डैडी करता है तो कहता है कि मम्मी की पसंद का करेगा। जाजी ये क्यों जाजी, तुम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराया? तेरा दामाद बनने लायक है, बड़ा जचेगा, सोना लगेगा। पाजी, दामाद, पाजी, मेरी बेटी का क्या हो गया यार? ओ यार, रोने वाला बाप ते सदा हंसने वाला दामाद होती चाहिए। What a combination! स्वामी, एक बात बताओ। पूछो जी। तुम अपना जन्मदिन अलग-अलग डेट पर क्यों मनाते? नो अलग-अलग डेट जी, ओनली से एक दिन पहले। डेट अलग है लेकिन दिन वही है, ओनली से एक दिन पहले। क्या एक दिन पहले? राइट जी। डॉक्टर को भी हमने एम्ब्रेस किया, डॉक्टर हमारे अम्मा को बोला कि आपको बच्चा होली के एक दिन बाद पैदा होगा, हम एक दिन पहले पैदा हो गया। ट्रिंग डॉक्टर शर्मिंदा जी। तेने, तेने। क्या जी, पार्टी हमारा, पैसा हमारा और हंस तुम रहे जी। वो क्या है ना अंकल? बोलो जी। अगर मुसीबत टल ना सके हाँ। तो क्या करना चाहिए? पार्टी देना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। वही कर रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग माय प्रॉब्लम। किसी का बाप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। अरे उसने तो मेरी मुसीबत अपने गले ले लिए। और वैसे भी मैं कैसे किसी भी एरी गेरी लड़की से शादी कर लूं? और मेरी तो कोई मजबूरी भी नहीं है। क्या मिला तुम्हें इतने सारे लोगों के बीच उसे जलील करके? इसमें उसका क्या दोष है? यही कि वो तुमसे प्यार करती है? अगर उसके घर वाले उसकी शादी तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं, तो इसमें गलती तुम लोगों की भी है। डोंट फॉरगेट रोहित, तुम्हारे डैडी ने भी वादा किया था। अगर उस बेचारी ने इस सच्चाई को अपने दिल से लगा लिया, देन व्हाट्स रॉन्ग? इसमें उसकी भावना तो पवित्र है ना? लेकिन तुम मेरी बात क्या समझोगे? शायद यही वजह है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो पाई। सुनो, पहले मेरी बात सुनो रोहित। हर चीज की एक हद होती है, कब किससे कहां क्या बात करनी है पहले ये समझो। मैं यहाँ पर लवली का मन बहलाने आई थी। वाह, क्या अच्छा मन बहलाया तुमने उसका। अब अगर तुम्हें जरा भी शर्म है ना, तो जाओ जाओ, जाकर माफी मांगो उससे। Come on, Rohit, what you are waiting for? Go and say sorry to her. जाओ। मनु तू मनाना सी, तू ही रुस बैठी है। ए लवली, बचपन से हम लोग साथ साथ खेले, साथ साथ स्कूल गए। कितनी तितलियां पकड़ी मैंने तेरे लिए। हाँ बे साहब, तू मैनू एक गल दस, जब भी तेरी मेरी शादी की बात होती मैं भाग जाता, सच या झूठ? सच या झूठ? सच। हाँ, मैं मना भी तो कर सकता था ना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तेरा दिल टूट जाता। तू बहुत सोनी कुड़ी है, मैं तेरे लायक नहीं हूं।
वैसे भी मुझे झेलना सबके बस की बात नहीं। बहुत अच्छा, आज जो भी हरकत मैंने तेरे साथ की है ना लवली, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। किधर है जी? तुझको देख तुझको ऐसा नशा चढ़ा, फीका पड़ गया भंग जबीरा सररररा जबीरा सररररा। देख तुझको ऐसा नशा चढ़ा, फीका पड़ गया भंग। देख तेरी चढ़ती जवानी, मैं तो रह गया दंग। अंग रंग डालूंगा, रंग डालूंगा चुनरी चोली में, है सब होली में। जबीरा सररररा जबीरा सररररा, रंग डालूंगा चुनरी चोली में, माफ है सब होली में। जबीरा सररररा जबीरा सररररा। चिपक गई है चोली, तिरछी नजर या तोरी लागे दिल पे जैसे गोली। जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा 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 रा। लेके बहाना होली कारे डालना मुझ पे डोरे, तेरे जैसे जाने कितने देखे मैंने छोरे। जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा। मेरे पास तो सजा के अपनी डोली रे, आओ तेरे पास में मैं ऐसी नहीं भोली रे। चुनरी और चोली तूने सभी को भी गोली रे, अब बाकी अगली होली में रंग डालना चुनरी चोली में।
चुनरी चोली में माफ है सब होली में जबीरा सररर जबीरा सररर क्या हो गया रे? क्या हो गया? अपने पुत्तर नु रोक ले। तेरे बेटे ने मेरी बेटी के मुंह पे कालक पोत दिया है। रोक ले अन्नू, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अरे मेरा बेटा क्या कालक पोतेगा तेरी बेटी के मुंह पर? तेरी बेटी कालक पोतेगी तेरे मुंह पर, जैसे तेरी बहन ने पोता था। बहुत बड़ी बात कह दी तूने जोगी। तेरा सीना तो चौड़ा हो गया होगा। अब इतना सब बता दिया है तो ये भी बता दे कि तेरी बीवी कौन है। परमजीत के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुझे काट के फेंक दूंगा। गड़े मुर्दे तो तूने उखाड़ने शुरू किए हैं। एक और सही। अपनी जुबान पे लगाम दे बे। जोगिंदर सिंह, जुबान में हड्डी नहीं होती है, तो जैसे तेरी फिसल गई अब मेरी भी फिसलने दे। बता दे इन सबको, बता दे दुनिया को कि तेरी बीवी क्या है? उल्टा है हरामजादे। रोहित, रोहित क्या तू यहां बैठा है? वहां को अंकल शराब पी रहे हैं। माय गॉड, चलो चलो। अंकल जी ये हाथ बस समझा, हाथ ना लगाना। डोंट टच मी। बड़ा गंदा और बदनाम खून है हमारा। सुना नहीं जोगिंदर सिंह ने क्या कहा था? उसने कहा था मेरी बेटी मेरे मुंह पर कालक पोतेगी, जैसे मेरी बहन ने मेरी बहन बरसों पहले की बात है, नादानी में एक गलत कदम उठा लिया उसने, लेकिन उसे समझा बुझाकर वापस घर लाने वाला कौन था? उस वक्त मेरे घर की इज्जत बचाने वाला कौन था? उस बहन के हाथ जिसकी कलाई पर रखड़ी सजाते सी वो भाई कौन था? वो जोगिंदर सिंह तेरा पापा, जिसने बरसों के रिश्ते नाते यू एक पल में तोड़ देते। क्यों तोड़ दिए? मेरी बेटी को बेइज्जत करना चाहता सी, मेरी इज्जत नू मट्टी में मिलाना चाहता सी। जोगे तू मेरा यार था, हूं दुश्मनी भी मैं ही निभावांगा। तू कहता सी ना पुत्र मैं पंजाबी नहीं लगता। तुसी पंजाबी नहीं लगते। ओ पंजाबी लगते नहीं है, पंजाबी हमदे ने। तूने पंजाबियों का प्रेम देखा है, हुण दुश्मनी देख। अंकल अपने आप को हुण दुश्मनी देख, दुश्मनी अपने आप को। डोंट टच मी। पंजाबियों की हुण दुश्मनी देख, तू दुश्मनी देख पंजाबियों की, हुण दुश्मनी देख हुण पंजाबियों की। ईशा संभालो अपने आप को, इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुमने कभी मेरे पापा
पापा को रोते हुए देखा है? मैंने देखा है, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है रोहित। ये सब हमारी वजह से हुआ है। तो इसे ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है ईशा। इस तरह से रोक करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम जानती हो किस तरह से मजाक मजाक में मैंने अपनी माँ को जलील होते देखा है। इवन आई एम फीलिंग इट, इवन आई एम हर्ट। लेकिन तुम रोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ईशा। मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, वो भी मेरी गलती से। मैं उन्हें जाकर रोकने की कोशिश करूंगा। यू ट्रस्ट मी, आई विल स्टॉप हिम। डोंट क्राई प्लीज, प्लीज डोंट क्राई लाइक दैट। आज बाप और बेटे के बीच में कोई नहीं आएगा। हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया हमें पता ही नहीं चला। हम तो ये समझते थे कि हमें हमारे हमारे बेटे को हमारा प्यार चाहिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं। बरकुदार, जानते हो माँ क्या होती है? लेकिन माँ को मालूम है औलाद क्या होती है। माँ अपने औलाद की छोटी सी छोटी खुशी के लिए अपनी हस्ती को भी मिटा देती है। लेकिन वही औलाद अपनी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर भी मां के दिल का एक एक टुकड़ा चिल्ला कर बोलता है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। ये होती है मां, समझा, इसे कहते हैं मां। जब तू 2 साल का था ना, तेरे सर के ऊपर से मां का साया उठ गया था। इसने तुझे मां का प्यार दिया। अरे इसने तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हो गया, लेकिन तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा तो किया। अरे जन्म देने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। अगर ये चाहती तो अपनी गोद भर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया ताकि कभी भी तुझे सोतेलेपन का एहसास ना हो। इसलिए अरे इसने तो अपनी गोद तुझ पे निछावर कर दी। ये देवी है रे, ये देवी है परम परम। तू तो देवी है रे देवी। और तू उस लड़की के साथ जिसके बाप ने सरे बाजार इसे उल्टा कहा, जबकि मैं जानता हूं कि परम निर्दोष है। उसी के बाप ने परम के साथ मेरी शादी कराई पूरी पंचायत के सामने। आज सरे बाजार परम की इज्जत पर उसने कीचड़ उछाल दिया। परम छोड़ना, ये क्या समझेगा तेरे प्यार को। तुझे तो बुरा नहीं लगा होगा ना, क्योंकि ये तेरी सगी माँ नहीं है ना, तो तेरी माँ है। तो तेरी माँ थी, तो तेरी माँ रहेगी, लेकिन मेरी तो सगी पत्नी है। परम तू मेरी शान है, मेरा मान है, मेरा गरूर है। और सुन, कान खोल कर सुन ले, जो परम के मान का सम्मान नहीं करेगा उसकी बेइज्जती करेगा, उसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। चल चलो परम, आजा, हम चलते, अपने गांव जाएंगे, हमारा यहां बसेरा नहीं है। चल आजा।
चलो। अगर ये चाहती तो अपनी गोद भर सकती थी। हम तो ये समझते थे कि हमारे बेटे को हमारा प्यार चाहिए, लेकिन नहीं। ये तेरी सगी माँ नहीं है ना? तो दिल माँ थी, तो दिल माँ रहेगी। जानते हो माँ क्या होती है? लेकिन माँ को मालूम है औलाद क्या। तू उस लड़की के साथ जिसके बाप ने सरे बाजार पूरी पंचायत के सामने इसे उल्टा कहा। माँ अपने औलाद की छोटी सी छोटी खुशी के लिए अपनी हस्ती को भी मिटा देती है। परम की इज्जत पर उसने कीचड़ उछाल दिया। तुझे तो बुरा नहीं लगा होगा ना, लेकिन वही औलाद अपनी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। जो परम के मान का सम्मान नहीं करेगा, उसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। मुझे जाना होगा। रोहित, फॉर गॉड सेक स्टॉप ट्राइंग टू ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं भी हूं। आई प्रॉमिस रोहित, मैं सब ठीक कर दूंगी रोहित, लेकिन तुम प्लीज। माँ बाप के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और वैसे भी हमारे बीच रिश्ता ही क्या है। जुदा नहीं होना, आजा आजा माही आजा, हो
याद आई आंख भर आई आयो रब्बा सही जाए ना ये जुदाई आयो रब्बा सही जाए ना ये जुदाई किसी ने कहा था मुझे कभी प्यार नहीं होगा। किसी ने कहा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। किसी ने कहा था मैं किसी का इंतजार नहीं करती। मगर किया। किसी ने कहा था मैं शादी से पहले कभी प्यार नहीं करूंगी। तो अब किया ना मुझसे प्यार। जाजी इसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस होता। अपना बिजनेस ये दारू का। ये अपना दारू बनाने का बेचने का और पीने का जाजी। और इस शराबी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। जाजी शराबी जाजी शराबी अभी तब बच्चन होता। वैसे अब ये भी फिल्म में हीरो बनने वाला। जाजी हमारा हीरो ऐसा ही होता। ओए गोगी तेरी बेटी का तो हो गया, मेरी बेटी का की होगा यार। गल सुन मेरे लिए टोटली रिजेक्टेड इनफेक्टेड ते डिफेक्टेड माला है। अच्छा इसका मतलब ए मुंडा तेनू पसंद नहीं? मैनू पसंद है, मैनू चलांगा। नमस्ते रोहित, वेयर आर यू? रोहित कहाँ हो तुम? तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? येन कुड़ा तमिलनाडु आया। वरुवांगा वरुवांगा। की बोलिया? ना कुछ नहीं पुत्र, है तेनू इच्छा समझा। पूजा ऐदी वासना भरी नजरों से दूर चले जा। जा जा पुत्र शबाश। आपके पुत्र को मेरी बेटी पसंद है? हाँ पसंद है जी। ये क्या बात है? ओए तू पागल हो गया है? तू रहने दे, वो तेरे को लड़का पसंद नहीं है ना, मेरे को शराबी भी चलेगा। तू शराबी नाल अपनी कुड़ी दा व्याह कराएगा? हाँ। ओए पागल हो गया, ओनू हिंदी बोलना आंदा नहीं है, तू ओनू तमिलनाडु भेजेगा? बल्लू समझदार हो जा, मुझे तो घर वालों ने सिर्फ घर से निकाला था। ओए खोत्या तेनू तो जूते मारेंगे। खा लांगा जूते भी खा लांगा। अयो क्या खाने पीने की बातें हो रही है जी? जुता करी दे मादी दा। जुता करी? नहीं नहीं नहीं, और सुनो तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो आएगी कि मैं जाऊँ? ओह फॉर गॉड्स सेक रोहित, आज मैं इतनी परेशान हूँ और तुम? रोहित प्लीज कुछ करो। रोहित रोहित Thank you.
कमाल है यार, कमाल है। तुम लोग भी ना हमेशा आसमान से गिरते हो और खजूर में अटक जाते हो। अब क्या होगा, क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसे मजनू बनकर पूरी जिंदगी मेरे पीछे घूमना पड़ेगा बस। अच्छा, एक तो तुम्हारे भले की सोचो, अगर हो गई ना तुम्हारी शादी किसी एंगड़े पंगड़े के साथ तो पूरी जिंदगी केले के पत्ते पे खाना खाना। सोचो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने वाला है। क्या नहीं समझ में आया ना? मेरी भी समझ में नहीं आया। वेरी फनी। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या वाकई में शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। स्टूपिड। नहीं, तुम लोगों की तो आपस में जमती रही है। वही तो मामला, जमाने के लिए ही तो शादी करनी है ना स्वीट हार्ट? वेरी फनी। मुंडे को बांधने जा रहे हो? क्यों, इतना पसंद है रोहित तुम लोगों को? हाँ हाँ, बहुत पसंद है। क्यों, तो कौन है? वैसे रोहित मुझे भी बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। ओए, तू उससे कैसे शादी कर सकती है? क्यों, रोहित मुझसे प्यार करता है और मैं भी। कोई फायदा नहीं कुड़िये, हम तो तरीक फिक्स करने आए हैं। तो ठीक है, उस तारीख को उसकी बारात के साथ दो लाशें भी ले जाना। दो लाशें? हाँ, एक मेरी ते दूजे साढ़े प्यार दी निशानी दी। अरे ओ चलो जल्दी ना, कहाँ चले? रजेश भाई तेरे नाला क्या है? मैंने पहले पता थी वो बंदा हो जाए। ओए हूं छड्डांगा नहीं मैं उन्हें, चल तू। हाँ रजेश भाई, छड्डांगा नहीं। मौसा जी, ये जस्सी है, आपसे मिलना चाहती है। नमस्ते जी। तू पंजाबी है? हाँ जी पापा जी। ऐस करके मैं कहना चाहती हूँ जी कि रोहित की शादी सोच समझ के करियो। बड़ी सोनी कुड़ी है, she's very beautiful। हाँ, बड़ी सोनी कुड़ी है। तू कैसे जानती है? रोहित भैया की फ्रेंड है। रोहित भैया की फ्रेंड है? उसने तो मुझे बताया नहीं। मेरा एक काम कर, इसका एड्रेस मेरे को दिला दे, हैं? मैं परम से बात करता हूँ। एड्रेस जस्सी का? Oh my God! Oh my God! तेरे बाप ने जस्सी को पसंद कर लिया, तो मेरा क्या होगा? मैं फंस गया। और तुझे क्या जरूरत थी इसके बेडरूम में घुसने की? गाना गाने का मन कर रहा था मेरा। रोहित अब बस भी करो प्लीज। शर्म आ रही है तुमको? Stop it! जाने दे यार। देख एक काम करते हैं, शादी मुझे भी करनी है और शादी तुझे भी करनी है ना? अपन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अरे, क्या? अरे, अरे, अरे यार, हम लोग यहाँ अपनी शादी के लफड़े पड़े हुए हैं और ये अपनी शादी बीच में ले आया है। यार पहले एक लव स्टोरी तो पूरी हो जाने देना। अब एक नहीं, दो लव स्टोरी पूरी होंगी। हाँ, दोनों के घर वालों में आपस में दुश्मनी है तो पंजाबी लड़का चाहिए, मद्रासी लड़की चाहिए तो बजरंगी। आप? अंकल आप यहाँ? यहाँ कहाँ? अरे अंकल आप यहाँ और यह कबाड़ी का धंधा? हे, बजरंगी को ऐसा नहीं बोलने का, चुम्मा। काहे को चिल्लाता है भाई? मालूम है ना आपको बीपी का प्रॉब्लम है। यार अंकल वो तिवारी कहाँ गया? तिवारी? ये कौन सी बीमारी? लो अंकल आप तिवारी को भी भूल गए? अरे वही आपका सब इंस्पेक्टर। हाँ,
उसी ने तो ट्रक ड्राइवर को पकड़ा था, वरना वरना आपने तो हमें अंदर ही कर दिया था जेल में। चुप साला, जेल से बचने के लिए हम यहाँ ही धंधा खोल के बैठा है और तुम लोग जेल का बात करता है। भाई आपका बीपी। ये चुम्मा, तू डॉक्टर है का? हाँ, ना, पहले ही बताइए है कौन। अच्छा तो आप भूल गए। देखिए अंकल जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन उस वक्त हम दोनों में बनती नहीं थी इसलिए आपको परेशान किया था। अब देखो ना अंकल, आपकी वजह से हम दोनों कितने करीब आ गए। अरे पर तुम लोग हो कौन और ये सब कहाँ है? अरे ये तो सच्ची सब कुछ भूल गया यार। अंकल छिपकली, छिपकली। तो आप पुलिस में नहीं थे? हाँ हाँ, ये पुलिस में थे। भाई पुलिस में? अंकल भाई, भाई क्या कर रहे हो? पुलिस अंकल प्लीज रुकिए। पकड़ रहे बजरंगी भैया, रुको पुलिस। अरे बजरंगी भैया, ये बताओ आप हो कहाँ के? हम बनारस के? नहीं नहीं नहीं, हम तो गोरखपुर के हैं। बनारस तो बचपन में छूट गया था ना, मेला में। मेला में है? मेला, मेला राम और श्याम, सीता और गीता। अरे वो फीमेल थी, ये मेल है। बजरंगी भैया, आपके कंधे पर तिल है? नहीं तो? उसके भी कंधे पर नहीं है। तुमने उसका तिल कब देखा? ओ शट अप रोहित। बजरंगी भैया आप मेरे साथ आइए। चलिए बैठिए। तो आप शांति से यहाँ बैठिए। हाँ चुम्मा, ये का बवाल है भाई? ये राहुल है ना, यही लाया है। हाँ 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 बजरंगी भैया, वो क्या है कि हम चारों को शादी करनी है। अरे तो पंडित के पास जाओ। अरे पंडित नहीं, ये शादी सिर्फ आप ही करा सकते हैं। कैसे? तो आप दोनों मेले में बिछड़ गए थे ना? देखो बजरंगी भैया, हम आपके भैया को जानते हैं। बिल्कुल हमरे जैसा दिखता होगा ना? बिल्कुल, बस ये चुटिया नहीं है। तब तो हमारी मैया भी होगी। हाँ भैया भी है और मैया भी है। भैया हमको मिलवाई दो, भैया और मैया दोनों से। तो आप हमारी पहले शादी करवाई दो। कैसे? अरे नहीं, अरे कैसे हो सकता है? अरे, 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 देखो भैया, हम यहाँ ऐसे चारों की शादी करवाएंगे। ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा तुम्हारा। मतलब हम सब की शादी एक ही जगह होगी? कैसे? देखो भैया, गोगी को मद्रासी लड़का चाहिए, वो रोहित है। वो मैं हूँ राहुल। अच्छा ठीक है ठीक है। और जोगी को पंजाबी लड़की चाहिए, वो ईशा है। वो मैं हूँ जस्सी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है भाई, दोनों की शादी करा देंगे हम ईशा। बजरंगी भैया ये बतावा, ये कौन है? ईशा। तो फिर ये कौन है? ईशा। तो फिर ये कौन है? जस्सी। बजरंगी भैया ध्यान से प्लीज। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हाँ हम गलत शादी नहीं करवाएंगे, हम रोहित की शादी ईशा से करवाएंगे और जस्सी की शादी रोहित से करवाएंगे। तो दोनों की शादी आप रोहित से करा देंगे? तुम, मैं क्या करूँगा भाई, कन्फ्यूजन है। अरे वही तो हम चाहते हैं, यही तो बजरंगी का स्टाइल है। आई अम्मा। चुम्मा तू ऊपर जा। भाई हम पहले से ही ऊपर हैं। देखी हमारी प्लानिंग? देखी। कबूतर जा। आई अम्मा। कबूतर आ। आए। आई। कबूतर जा। आइए तुम्हारा प्लान कमाल है। रोहित, राहुल, राहुल। अरे भैया किधर बजी है? अबे रो मत, तेरी विदाई नहीं हो रही है, मर्द बन यार, तेरी शादी होने वाली है, लड़की अपने घर ले जानी है तुझे। अबे तो सही, लड़की मेरे घर जाए तब ना। ये बजरंगी ये कुछ नहीं, कुछ यहाँ गड़बड़ करेगा यार सबसे यार। एक तो उसे तेरे मेरे नाम के बीच में कंफ्यूजन है। कबूतर आ। सेम ड्रेस। अबे छोड़। अरे कभी सेम है यार। अरे यही तो प्लानिंग है बुद्धू। लेकिन राहुल तुम कोई गड़बड़ मत करना, ओके? मुझे कुछ नहीं। अबे रोती सूरत, तू रोना बंद कर यार। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अपने अपने जोड़े को लेके जाओ राहुल।
अरे जाओ ना, देखा, अरे लागता नहीं बुझाइल। बजरंगी भैया, ई बतावा ईशा कौन है? बुझाइल ना, बुझाइल ना, बताओ। ये है कबूतर जा, कबूतर आ। जैसी डोंट वरी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। बस तुम्हारा दूल्हा कोई गड़बड़ ना करे। हुजूर एक शेर अर्ज है, मुलाजा फरमाइए। राहे इश्क में आंसू बहाना फजूल। अमा मियां रोशनी किधर चले गया? प्लानिंग सही जा रही है। ओए छोड़, अयो चलो हमारा प्लान नहीं करने का। ओए इधर आ। अरे यार कोई मुझे भी तो बदलो, पता नहीं क्या हो रहा है यार। इस बजरंगी को तो मैं देखता हूँ। कबूतरा, मां ये दाढ़ी कहाँ चली गई? इतनी जल्दी साफ हो गई? तुम कबूतर जा। अरे अन्ना, अन्ना यार हमने तो रोहित को बदला था, पर ये कैसे हो गया? अय्या तो वो भूल गया, तुम का लड़की को बदलना था तो भूला। अरे भैया हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम लड़की नहीं उठा सकते ना, इसलिए भूल गए। मैं खुद ही देखता हूँ। चल चल। तो ये कौन है? अयो पूरा बोपो है ने। अरे दूल्हा तो दिखी नहीं रहा। बजरंग बली माफ करना। तुम भी माफ करना। हाँ कबूतर आ। मुझे ज्यादा तो नहीं चल रही? तुम कबूतर जा। फिर अंधेरा हो गया जो किया है और क्यों रहा है? यो है ना पर बोबो, वो दूल्हे के बच्चे फिर कौन है? आ जा। हाँ खड़ा जा। प्लानिंग सही जा रही है। कबूतर आ। हाय, तुम यहाँ रुको, मैं राहुल को यहाँ भेजता हूँ। सुनो तुम यहीं रुको, मैं रोहित के पास जाती हूँ और जस्सी को यहाँ भेजती हूँ। ओके कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। कबूतर आ। अरे बाप रे बाप, शादी में मर्डर। अरे बाप रे। अरे बाप रे, देखा तुम लोगों के चक्कर में हमारे चुप्पा सही बोलता था। अरे तुम लोग अड़ियल बैल हो, बैल घोड़े हो, तुम्हारे चक्कर में हमारे चुप्पा। कैसे बाप हो तुम लोग? भाई आपका बीपी देखा, मरने के बाद भी हमारा कितना ख्याल। तू अभी जिंदा है? भाई मैंने कहा था ना ये लोग नहीं मानेंगे। सही कहते हो तुम कबूतर। ए बजरंगी बस बहुत हो गई तेरी नौटंकी।
गया। ये सब तमाशा क्यों डैड? क्यों? हाँ, ये सब क्यों? हम जानते हैं कि गलती हम दोनों की है, क्योंकि पहले हम शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि पहले हम लोग भी आप लोगों की तरह जिद्दी थे, लेकिन अब हम लोग हमारी गलती मान चुके हैं। हमारी गलती को नादानी समझकर भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। डैड, हम लोग माफी मांग रहे हैं। आप लोगों ने हमारी सिर्फ दोस्ती देखी है, दुश्मनी भी पूरी हो जाने दो। ओ कर ला यार, दुश्मनी भी पूरी कर ला, सानू केड़ी रिश्तेदारी तेरे साथ निभानी है। मैंने भी कौन सी निभानी है। तो ठीक है डैड, दुश्मनी ही सही, आखिर मैं भी आप ही की औलाद हूँ। हाँ डैडी, अब आप मेरी भी जिद देख लीजिए। राहुल गोगी अंकल, गोगी अंकल, अरे रोकिए इसे, आप लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं आपकी बेटी को बहन मानता हूँ। और रुक यार, कोई रोको इसे। और रुक, अब क्यों रोक रहे हो? जोगिए रोक ले व्यानू, रोक ले व्यानू। सुन सुन सुन, बस बहुत देखिया थोड़ा नाटक, अब कुछ नहीं हो सकता। अब रुक जा रोहित, रुक जा। परंजीत, ये सब गलत हो रहा है। छड़े यार, तेरी तो गलत शादी कराने की आदत है। पंडित तो रुक जा, अनर्थ हो जाएगा। यार तू अपनी बेटी की शादी नहीं करने देता, ना ही मेरी बेटी की शादी होने देता। ओए पंडित, और शादी होनी बाकी अभी, और जल्दी फेरे कर शुरू कर। पंडित रोक, ओए चुप कर। अरे मैं कहता हूँ रोकना। रुकना मत पंडित। अरे मेरा बेटा ईशा ईशा से प्यार करता है। ओए ठीक है, ओए पंडित तू अपना काम कर, शादी रोका तो हम इधर बम फोड़ेगा। बम? ओ बम बैनू डरांदा है, मैं पंजाबी हां, बम तेरी भैन दी। जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। शादी हो गई यार, मुबारका मुबारका, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ओए शादी हो गई, अब मेरी बेटी की भी शादी होगी। कर दिया ना सत्यानाश। तू बड़ा सरपंच बड़ा फिरता है, तूने क्यों नहीं रोक लेता है? कर देती ना मेरी कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद। तू भी क्या कमजिद्दी है? अरे बार बार कहता मैं पंजाबी हां, पंजाबी हां, पंजाबी दा पुत्र। डैड, अब हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अरे मैं भी पंजाबी हां। आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगे? डैड अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे? ओ खोतिया, ओ मेरी कुड़ी नू आशीर्वाद दे दे। हट जी। अयो, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगे जी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बहू नू आशीर्वाद दियो।
ऐसा हो जाता है। If music be the food for love, play on.